जय हिंद दोस्तों। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें मेल की कट ऑफ भी हो, फीमेल की कट ऑफ भी हो, नक्सल एरिया की कट ऑफ क्या गई है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया कट ऑफ क्या गई है, किस पोस्ट की क्या कट ऑफ गई है, उसमें सारे पॉइंट्स पर बात की जाए। तो ये वीडियो मैं लेकर के आ चुका हूँ, इसमें हम सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, मेल फीमेल नक्सल बॉर्डर किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई है, सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं उस पर कमेंट पढ़ते ही, क्योंकि मैं कमेंट्स के सभी के मोस्टली रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने को बुलाया गया था। तो टोटल यहाँ पर देखिए 1:10 दिया हुआ है, मतलब कि टोटल 10 गुना लोगों को पीएचटी और पीएटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी ओबीसी और एससी की कट ऑफ कितनी 33% मतलब पासिंग मार्क रही है, और जनरल और एक्स सर्विसमैन की 35% पासिंग मार्क रही है। इसको स्क्रॉल डाउन करके जैसे नीचे जाएंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर आ जाएगा पैरा नंबर 5.1 पे। तो यहाँ पर देखिए फीमेल लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज फॉर एसएसएफ ओनली। तो यहाँ पर एसएसएफ के लिए फीमेल की कट ऑफ कितनी गई हुई थी, तो पहले उसे जान लीजिए। 1 आपका एससी का कोड है, 2 एसटी का कोड है, और 6 ओबीसी का कोड है, और 9 जनरल का कोड है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो एससी में टोटल 100 फीमेल कैंडिडेट्स को पास किया गया है और कट ऑफ 72 गई है, जबकि एसटी की बात करें तो एसटी में टोटल 70 फीमेल कैंडिडेट्स को पास किया गया है और इसके कट ऑफ गई है 73 मार्क्स, और 6 यानी कि ओबीसी में 180 फीमेल कैंडिडेट्स को पास किया गया है, इसकी कट ऑफ 78 गई है, और जनरल में टोटल 400 कैंडिडेट्स को पास किया गया है और इसकी कट ऑफ कितनी गई है 80। बात करें फीमेल की एसएसएफ पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है। अब देखिए पार्ट वन और पार्ट बी लिखा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी, बहुत से लोग इसमें भी कमेंट्स कर रहे थे कि पार्ट ए पार्ट बी क्या है। तो देखिए ये पार्ट ए पार्ट बी है, जब आपने एग्जाम दिया था तो 4 सेक्शन थे, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी, तो ये उसी के मार्क्स हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं ये उसके मार्क्स नहीं हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, एसएससी जल्दी इसका ऑफिशियल अपडेट जारी कर देगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि ये पार्ट ए और पार्ट बी के ही मार्क्स हैं। देखिए यहाँ पर बात की है डेट ऑफ बर्थ, तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है जो कैंडिडेट लास्ट सिलेक्टेड है, मतलब कि लास्ट में उसका नाम है उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको पल पल की मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। फ्रेंड्स जो मैंने कट ऑफ बताई थी सेम टू सेम वही कट ऑफ गई है, आप आगे वीडियो देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद आप मेरी पुरानी कट ऑफ का वीडियो भी देख सकते हैं, तब आपको विश्वास होगा कि जो मैं बताता हूँ बिल्कुल 100% सही बताता हूँ, और ऐसा बताता हूँ कि आपके करियर के साथ खिलवाड़ ना हो और आपकी ज़िंदगी सुरक्षित बनी रहे और आपको जल्द से जल्द नौकरी मिले। तो अगर चाहते हैं कि सभी नौकरियों के बारे में और एसएससी जीडी के बारे में, आगे तो फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग लेटर, सभी चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, हरियाणा पुलिस की आ चुकी है, तो इन सभी के बारे में अगर पल पल अपडेट चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको यही इसी चैनल में सब कुछ सही मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बकाया यूट्यूबर्स की तरह आपको चूतिया नहीं बनाता हूँ, ना कि कहता हूँ कि 40 नंबर वालों का यूपी में सिलेक्शन होगा। मैंने डंके की चोट में कहा था कि यूपी की कट ऑफ कितनी जाएगी, 75 से 82 मैंने बताई थी, और कट ऑफ कितनी गई है 78 गई है जनरल कैटेगरी की। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड लिस्ट दी हुई है, देखिए फ्रेंड्स ये आपकी किसी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की दी हुई है, अब इनको तो हम स्पीड के साथ करते हुए चलेंगे, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की है, इसको छोड़ते हुए आगे हम बढ़ते हैं। ये नक्सल की है, यहाँ से कितनी का पास की गई हैं, तो इसके नीचे देखिए फ्रेंड्स फीमेल मेल कैंडिडेट्स, ये मेल कैंडिडेट्स किसकी दी हुई है, जिनको एनआईए और एसएसएफ मिला है, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई गई हुई है। तो 2 नंबर कैटेगरी किसकी है आपकी, एसटी की है, इसके 10 कैंडिडेट हैं, 92 गई है। 3 नंबर किसकी है आपकी, एक्स सर्विसमैन है, और इसकी कट ऑफ कितनी गई है 75 मार्क्स, 75 गई है। 6 आपका ओबीसी है और इसकी कट ऑफ 96 गई है। 9 आपका जनरल है, इसकी कट ऑफ भी 96 गई है। ये आपकी एनआई है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी नेशनल, ऐसा सब की बात करें तो इसी तरह इसमें भी 1 अर्थात एससी की 380 लोगों को पास किया गया है, कट ऑफ 83 गई है,
और दो नंबर एसटी की 470 लोगों को पास किया गया, ये मेल की है और कट ऑफ इसकी भी 80 गई है। एसएसएफ में एक्स सर्विसमैन के 219 लोगों को पास किया गया है, कट ऑफ 35 गई है और ओबीसी के 750 को पास किया गया है, कट ऑफ इसकी 88 गई है। इसके बाद जनरल की बात करें तो 2021-20 लोगों को पास किया गया है और इसी कट ऑफ 88 गई है। पार्टी बार्ट भी बता दिया, आपने जितने मार्क्स लाए थे उसके अकॉर्डिंग नंबर है ये, और आपकी जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो कट ऑफ दी हुई है मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो ये कुछ काम का नहीं बताया है कि इसमें कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके, तो लिस्ट सिक्स में क्या दिया हुआ है, मेयर कैंडिडेट्स रिजर्व बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, जिसपे कोई मतलब नहीं है हमको। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फीमेल के बारे में दिया हुआ है। तो फीमेल क्या है, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया एज गिवन इन एनएक्सर फर्स्ट। तो इसमें ये पूरे दिए हुए हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे नीचे की तरफ हम जाएंगे तो आपको पहले मिल जाएगा, पहले देख लीजिए ये कुछ रोल नंबर हैं जिनके रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनके रोल नंबर में और एग्जाम में कोई प्रॉब्लम थी। तो अगर आपका रोल नंबर हो तो अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट कट ऑफ दी हुई, देखिए कट ऑफ और डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट ड्यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो इसमें सीधे बढ़ेंगे, जहाँ की मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैं वहीं की कट ऑफ बताऊँगा। अगर आपका भी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके भी दे दूँगा अगर आपको इस वीडियो में ना कट ऑफ मिल पाए। तो यहाँ से मेरी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, असम से हैं, तो असम की देख लीजिए एससी की कितनी गई है, 33 कट ऑफ गई है। फीमेल की बात कर रहे हैं पहले, अच्छे से याद रखिएगा फीमेल की। और ये बात करें एसटी की भी 33 गई है, ओबीसी की 33 गई है, जनरल की 35 गई है। इसके नीचे बिहार में आएंगे तो बिहार में जो एससी की 46 गई है, एसटी की 61 गई है, ओबीसी की भी 61 गई है और जनरल कैटेगरी की 62 गई है। तो ये आपकी बिहार की कट ऑफ है फीमेल कैटेगरी की। नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की मुझे लगता नहीं कोई होगा, दिल्ली की एक स्टूडेंट थी वो बहुत बार पूछ रही थी तो उसके बारे में बताता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर गई है दिल्ली से आपकी एससी की 66 गई है, एसटी की 50 गई है, ओबीसी की 66 गई है और जनरल की 67 कट ऑफ गई है। किसकी है, फीमेल की कट ऑफ है ये। नीचे और बढ़ते हैं, गुजरात की नहीं है, हरियाणा की देख लेते हैं। तो हरियाणा की गई है आपकी जनरल एससी कैटेगरी की 64 गई है, ओबीसी की 71 गई है और जनरल की 73 गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, फीमेल में 73 गई है, आप समझ सकते हैं मेल कैटेगरी का क्या हाल होगा। तो आइए उसको भी नीचे जानेंगे। इसके बाद और कौन सा राज्य बन रहा है, यहाँ से तो कोई है नहीं, झारखंड की एक स्टूडेंट पूछ रही थी, तो झारखंड की देख लीजिए, झारखंड की एससी की कितनी गई है, 36 गई है, एसटी की 52, ओबीसी 50, जनरल 51। और नीचे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ गई है आपकी एससी की 64, एसटी की 57 और ओबीसी 69 और जनरल की 70। ये आपकी फीमेल कैटेगरी कट ऑफ है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आगे हम मेल कैटेगरी की भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। यहाँ से नीचे कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब से एक स्टूडेंट थे उसको भी देख लीजिए, तो एससी की 52 गई है, ओबीसी की 51 गई है और जनरल की 52 गई है। नीचे जाएंगे राजस्थान, जहाँ फ्रेंड्स बहुत ही स्पेशल स्टेट है और यहाँ की कट ऑफ अक्सर हाई जाती है। एससी की 64 गई है, एसटी की 70 गई है, ओबीसी की 72 गई है, जनरल की 72 गई है। मेल फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा। और नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश, जिसके हम डिस्कस करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की आपकी एससी की 61 गई है, ओबीसी की सॉरी एसटी की 58 गई है, ओबीसी की 68 गई है, जनरल की 69 गई है। और नीचे आएंगे तो उत्तराखंड का भी देख लीजिए, एससी की 63, ओबीसी 65 और जनरल की 68 गई हुई। नीचे वेस्ट बंगाल की भी देख सकते हैं, अगर आप किसी अन्य स्टेट से फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और आपके कोई और डाउट हो तो उसको भी नीचे आप पूछ सकते हैं। अब नीचे हम बात करेंगे, जी हाँ फ्रेंड्स, ये है आपका कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट रिजर्व बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो लगभग यहाँ की भी कुछ हल्की सी कट ऑफ गई है, इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नीचे अब सीधे हम बढ़ेंगे मेल कट ऑफ की तरफ, कि मेल की कट ऑफ कितनी गई है। तो नीचे मेल की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो देखिए एनजेओर फोर में दिया हुआ है
कट ऑफ ऑफ डिटेल्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया कट ऑफ कितनी गई है इस वीडियो में बताया गया है। तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो जनरल यहाँ से आपकी एससी की 40, एसटी 44, एक्स सर्विसमैन 35, ओबीसी 47, जनरल 48 गई है। और नीचे बढ़ेंगे असम की बात करेंगे तो असम की आपकी कट ऑफ गई है एससी की 37, एसटी 38, एक्स सर्विसमैन भी 37, ओबीसी 37, जनरल 39। नीचे बिहार की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टेट ये भी है, एससी की 59, एसटी 75, एक्स सर्विसमैन 35, ओबीसी 73, जनरल 76। एक बार याद रखिएगा, अब ये मेल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ मेल कैटेगरी की ये कट ऑफ है। नीचे और बढ़ेंगे छत्तीसगढ़, मुझे लगता नहीं किसी का कमेंट आया है जिसने कट ऑफ पूछी हो, तो बताने कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी अगर आपका हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर आप इन स्टेट के अलावा बिलोंग कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें, जी हाँ दिल्ली के कमेंट्स काफ़ी आए थे जो पूछ रहे थे, तो दिल्ली की देख लीजिए, दिल्ली की आपकी एससी कट ऑफ 68 गई है, एसटी की 41 गई है और ये एक्स सर्विसमैन की 40 गई है। इसके नीचे भी दिल्ली की दी हुई है, तो दिल्ली की आपकी देखिए ओबीसी की 65 गई है, जनरल की 70 गई है। बहुत से चैनल वाले कर रहे थे भैया 50 नंबर में दिल्ली से हो जाएगा, लेकिन मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था और मेरी कट ऑफ थी 67 से 71। आप चाहे पुराना वीडियो उठा करके देख लीजिए, सेम कट ऑफ मिलेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूँ भाई, सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आगे आपको कोई भी नौकरी से संबंधित पूरी 100% सही जानकारी प्रूफ के साथ मिले, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझे भाई 1 रुपया इससे नहीं मिलने वाला है, फ़ायदा आपका ही होगा। आप देखते होंगे मेरे किसी वीडियो में आपको कोई भी ऐड नहीं मिलेगा, जी हाँ मैं कोई भी ऐड नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ आपके फ़ायदा हो इसलिए वीडियो बनाता हूँ। और मैं एक पैशन के रूप में यूट्यूब में आया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, तो बस इसलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, आप एक बार कमेंट तो करके देखिए, आपको थोड़ी देर बाद ही वीडियो हाजिर मिल जाएगा। नीचे बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कट ऑफ आपकी एससी की 51 गई है, एसटी की 46 गई है, एक्स सर्विसमैन 39, ओबीसी 50, जनरल 51 गई है। हरियाणा की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो एससी की 71, एक्स सर्विसमैन 37, ओबीसी 77, जनरल की 80 गई है। और नीचे बढ़ेंगे और नीचे जाएंगे तो देखिए, जैसे नीचे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश आ जाता है, एससी की 62, एसटी 68, एक्स सर्विसमैन 36, ओबीसी 62, जनरल की 66 गई है। और नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर, एससी 49, एसटी 40, एक्स सर्विसमैन 36, ओबीसी 36, जनरल 51। और नीचे आएंगे झारखंड आपका आ जाएगा, झारखंड लोग बोल रहे थे कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, लेकिन झारखंड इस बार धोखा दे गया है और कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। मैंने वीडियो बनाया था, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने झारखंड की जो एग्जैक्ट कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ गई है। एससी के 51, एसटी 55, एक्स सर्विसमैन 49, ओबीसी 66 और जनरल की 65 गई है। देख लीजिए यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है झारखंड से ओबीसी के फॉर्म ज़्यादा पड़ गए हैं। और नीचे बात करेंगे केरला लक्षद्वीप, यहाँ से कोई नहीं है, मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश से एससी की 66 गई है, एसटी 58 गई है, एक्स सर्विसमैन 36, ओबीसी 73, जनरल की 73 गई है। मैंने मध्य प्रदेश की कट ऑफ सेम बताई थी, 69 से 73 जाएगी, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, जब ना मिले भैया गाली देना, जो करना हो करना, यही कट ऑफ बताई थी, आप देख सकते हैं। गाली तो लोग देते हैं, जिनके भाई नंबर कमाते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ गाली देते हैं, लेकिन भाई गाली देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया मोटिवेट होइए। अब ये देखिए इस बार इतनी कट ऑफ गई है, तो आप इसको लक्ष्य बना करके पढ़ाई कीजिए कि अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही, दिल्ली पुलिस आ रही, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस की 52,000 वैकेंसी दिसंबर तक आ रही हैं, तो तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा ही अगर आप पढ़ रहे हैं सच्चे मन से। मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी बनाता हूँ, उसको आप ज़रूर देखा करिए, 10 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन आप 2-3 दिन देख कर देखिए, आपको बेनिफिट समझ में आएगा कि आपको उससे कितना प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स सभी एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स आ रही हैं, आपने रेलवे ग्रुप डी देखा होगा, एनटीपीसी हैं, सब में करंट अफेयर्स ही आनी है,
दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी करना चाहते हैं आप तो 50 क्वेश्चन है जिसमें करंट प्लस स्टैटिक जीके रहेगा, मतलब कि करंट से रिलेटेड जीके रहेगा वो पूछा जाएगा। अब आपसे मौर्य काल, बौद्ध धर्म ये सब नहीं पूछा जाएगा, हुमायूं कौन था, ये सब क्वेश्चन सब बंद हो चुके हैं। हाँ कभी कभार एक आधे क्वेश्चन की बात अलग है। नीचे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र की कट ऑफ कितनी गई है, महाराष्ट्र की कट ऑफ एससी की 56, एसटी 52, एक्स सर्विसमैन 36, ओबीसी 57, जनरल 59 गई है। और नीचे जाएंगे तो सारे कट ऑफ ओडिशा की बात करेंगे तो ओडिशा की कट ऑफ कितनी गई है, एससी 43, एसटी 42, एक्स सर्विसमैन 36, ओबीसी 51, जनरल 52। नीचे पंजाब की तरफ बढ़ेंगे, पंजाब की गई है एससी 51, एसटी 35, एक्स सर्विसमैन 35 थी, ओबीसी 51 है, जनरल की 54 गई है। राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, जी हाँ खतरनाक कट ऑफ है, एससी 73, एसटी 78, एक्स सर्विसमैन 35, ओबीसी 80, जनरल 80। तो कुछ ऐसी कट ऑफ यहाँ की गई है। नीचे और बढ़ेंगे तमिलनाडु तेलंगाना, यहाँ के मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, त्रिपुरा का एक स्टूडेंट पूछ रहा था तो उसके बारे में बता देता हूँ। एससी के 33, एसटी 33, ओबीसी 49 और जनरल की 35। देख लीजिए कट ऑफ में कितना अंतर है, जनरल की 35 गई है और ओबीसी की 49, सीधे सीधे 14 नंबर का अंतर है। तो समझ सकते हैं त्रिपुरा में कितने ओबीसी कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, जनरल कैंडिडेट्स वहाँ पर कम हैं। यूपी की बात करेंगे नीचे तो एससी 69, एसटी 72, एक्स सर्विसमैन 35, ओबीसी 76, जनरल की 78 गई है। नीचे बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की देख लीजिए, एससी 67, एसटी 74 और एक्स सर्विसमैन 38, ओबीसी 70, जनरल 72 गई है। वेस्ट बंगाल की भी देख लीजिए, एससी 44, एसटी 47, एक्स सर्विसमैन 39, ओबीसी 45 और जनरल की 50 गई है। तो ये सारी कट ऑफ मैंने डिस्कस की मेल कैटेगरी की। अब हम नीचे बात करेंगे, देख लीजिए कैटेगरी कोड दिया हुआ था कि कौन सा किस कैटेगरी का कोड है। अब नीचे हम बात करने वाले हैं कट ऑफ डिटेल्स, मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया कट ऑफ कितनी गई है, मैं धीरे धीरे वीडियो चलाता रहूँगा, आप उसको देखिएगा क्योंकि इसको बताने में वीडियो बहुत बड़ा हुआ जा रहा है तो आपको बोरिंग लगेगा। तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है। तो बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बिहार की कट ऑफ कितनी गई है, आप इसको स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप जिस राज्य से हैं। आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो इसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर भी आप देख सकते हैं, नीचे जाएंगे तो मणिपुर मेघालय देख सकते हैं, मिजोरम देख सकते हैं, पंजाब राजस्थान देख सकते हैं, राजस्थान पंजाब से हो सकता है। तो एक बार वीडियो यहाँ पर एक मिनट के लिए रोक देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और नीचे बढ़ेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया कट ऑफ याद रखिएगा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं अगर आप इन राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं। उत्तराखंड की आप देख सकते हैं, अब वेस्ट बंगाल की देख सकते हैं। तो मैंने सारे राज्य बताए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की। अब नक्सल एरिया की बात करेंगे नीचे तो नक्सल एरिया कितनी गई है, तो यहाँ की वीडियो मैं धीरे धीरे चलाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। आंध्र प्रदेश और बिहार वाले यहाँ पर अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की है। नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ झारखंड वाले अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की, सॉरी नक्सल एरिया की कितनी कट ऑफ गई है, यह नक्सल एरिया की कट ऑफ है। नीचे जाएंगे तो झारखंड केरला मध्य प्रदेश वाले देख सकते हैं कि नक्सल एरिया की कट ऑफ कितनी गई है। उसके और नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र उड़ीसा वाले देख सकते हैं कि नक्सल एरिया की कट ऑफ कितनी गई है। आप वीडियो को रोक करके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई है। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो भाई लाइक जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं और ऐसे वीडियो लाएं जो आपके लिए यूज़फुल हों। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक। और वीडियो को अच्छा लगा बुरा लगा नीचे ज़रूर बताइए, कोई कमी लगी हो, आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा। तो तेलंगाना उत्तर प्रदेश की आप देख चुके होंगे तो वेस्ट बंगाल की। तो फ्रेंड्स ये थे सारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है। चैनल में आप नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, यकीन मानना आपको सबसे अच्छी जानकारी इसी चैनल में दूंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ दूंगा, 100% प्रूफ के साथ दूंगा, सब कुछ सही बताऊंगा। और आपका निश्चित है, आप मेरे साथ कुछ दिन जुड़कर रखिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा समझ में आएगा क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं लेकर के आऊँगा। फिजिकल डेट, ज्वाइनिंग डेट, मेडिकल डेट सबकी वीडियो आने वाली हैं, तो धैर्य रखिए, बेल आइकन दबा करके रखिए, सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।